हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रकृति। आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती 31 मार्च संडे की एक खास न्यूज़। तो चलिए बात करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए चलते हैं। आज जैसा कि अभी दो दिन पहले ही रिज़ल्ट आया था, और सॉरी आदेश आया था, कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसमें 40-45 यानी कि शिक्षा मित्रों की विजय हुई है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि 3 मंथ के अंदर हम उन्हें रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है सर, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। क्योंकि अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि ये जो सरकार है वो डबल बेंच में जाने की बात कर रही है। सुनने में आया है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि जा ही रही है या नहीं, ये सब मैंने उस वीडियो में आपको बोला था। तो सरकार डबल बेंच में जाने की बात कर रही है। तो अभी लेटेस्ट में न्यूज़ निकल कर ये आई है कि जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने भी ये कैवियट फाइल कर दिया है। जी हाँ, शिक्षा मित्रों ने भी कैवियट फाइल कर दिया है। इसका मतलब जो रिजवान अंसारी की जो टीम है उन्होंने कैवियट फाइल कर दिया है। शिक्षा मित्रों की टीम भी पूरी तरह से तैयार है, अगर सरकार डबल बेंच में जाती है तो वो भी उसमें जाने को उनको करने के लिए तैयार हैं। तो अब सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि ये कैवियट फाइल करना क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्हें पता नहीं होगा कि कैवियट फाइल क्या है। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैवियट क्या है जो शिक्षा मित्रों ने फाइल किया है। कैवियट फाइल करना से मतलब होता है कि यदि कोई रिट दायर करता है डबल बेंच में जाने की, तो केवल उनके पक्ष को ही सुनकर डिसीजन ना लिया जाए। उसलिए रिजवान अंसारी की टीम मतलब शिक्षा मित्रों के वकीलों ने भी उन्होंने भी ये कैवियट फाइल किया ताकि उनके पक्ष को भी सुना जाए, मतलब कि दोनों पक्षों को सुनकर फैसला किया जाए। तो ये फाइल करना ज़रूरी था क्योंकि वो भी अपना पक्ष रखें, वो भी, तो इसलिए इसका ये होता है कैवियट फाइल करना, और ये हमारे शिक्षा मित्रों ने किया हुआ है। अब देखते हैं ये शिक्षक भर्ती कब तक हो पाती है। इसमें अभी एक केस सॉल्व हुआ, उसका ऑर्डर आया, उसके बाद तुरंत सरकार बिल्कुल भी 60-65 पर ही अड़ी हुई है, 40-45 पर बिल्कुल भी वो भर्ती कराने को तैयार नहीं है। तो देखते हैं चलिए क्या होता है आगे, और मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स देती रहूँगी, टाइम टू टाइम ऑल डिटेल्स सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहें मेरे इस चैनल पर, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ ही पूछना हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे जैसे ही इस शिक्षक भर्ती 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलेगी, सब मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल के थ्रू बताऊँगी। तो चलिए, एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।